प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आज का संदेश प्रभु के दास शनु सामुएल अडूर से बांटा जाएंगे, प्रार्थना के साथ सुनिए। आज का इस संदेश सुनने वाला सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम धन्यवाद देना चाहता हूं। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 31 उधर ऐसे लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। दुनिया में सब लोग यही मानते हैं, परमेश्वर हम लोगों का साथ है, सबके साथ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर सबके साथ नहीं है। हम बोल सकते हैं प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर के वचन ऐसे कहते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया, जिसने प्रभु को अपना पिता माना, परमेश्वर का संतान है, केवल उसके साथ ही है परमेश्वर। अगर हमारे साथ परमेश्वर है, हमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। हमारा हर बातों में, हमारा जरूरतों में, हमारा मुसीबत का समय में प्रभु हमारे साथ देगा। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने हमें बनाया। तो इसका मतलब यही है, हमारे बारे में वो सब कुछ जानते हैं। एक व्यक्ति का जीवन में जो कुछ भी जरूरत है, जो कुछ उसको चाहिए, सब कुछ देने वाला प्रभु है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी परमेश्वर का ही है, उसने बनाया, उसने सृष्टि किया। हम जब मनुष्य की सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य का सृष्टि करने से पहले प्रभु ने सब कुछ बनाया, उसके बाद प्रभु ने मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया। इसका मतलब क्या है? हम जन्म होने से पहले ही हमारे बारे में जानने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, तो इधर ऐसे लिखा है रोमियो का पत्री 8 अध्याय 21 में हमने पढ़ा है, हमारा विरोध कौन कर सकता है। तो परमेश्वर से हमें दूर करने के लिए, हमें नाश करने के लिए, हमें नरक में डालने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करते हैं, वही हमारा दुश्मन है। तो अगर हम परमेश्वर के संतान है, प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, हम उसके साथ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इस दिनों में हमें मालूम है दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें प्यार करने वाला कोई नहीं है। मैंने बताया कुछ लोग बोलते हैं हमें सहायता करने वाला कोई नहीं है। बहुत लोग अभी दुखी है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, कोरोना की वजह से आज से कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं अगर प्रभु हमारे साथ है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वो सब कुछ जानने वाला है, हमारा प्रार्थना सुनने वाला है, हमारे हाथ पकड़ने वाला है, हमारा आंसू को पोछने वाला है, हमारा जीवन में, हमारा चाल चलन में वो हमारे साथ देगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे बात हम प्रभु परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। उसमें से प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे नाम में पुकारा है, एक अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा का मतलब भेड़ों का चलाने वाला चरवाहा, उसका भूख समझने वाला, उसको खिलाने वाला, पिलाने वाला है, एक अच्छा चरवाहा है। दुनिया में बहुत सारे चरवाहा लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छा चरवाहा क्यों कहा? हम सबको जानते हैं, हमें चलाते हैं, हमें हमारा भूख को समझते हैं। तो हम चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु अगर हमारा है तो। इधर ऐसे लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो क्या ये आपको विश्वास है प्रभु हमारे साथ है? परमेश्वर के संतान लोग ऐसे कह सकते हैं प्रभु मेरे साथ है, मैं उसको विश्वास किया। हम पाप से परमेश्वर से दूर हुआ था, पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हुआ था,
तो परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, हम जैसे पापी लोगों को प्रेम किया उसने, हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान हुआ, इसलिए है परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर के संतान होने के बाद हम भी इस आयत में अभी हमने जो पढ़ा है हम भी बोल सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरोधी हो सकते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ है, हम आनंद की जीवन बिता सकते हैं, हम खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। प्रभु आपको सहायता करे, परमेश्वर आपके साथ है। आप सोचो अगर है तो कितना खुशी के साथ आप आपका जीवन बिता सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने पाप में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर को विश्वास करने का तैयार नहीं है, परमेश्वर से बहुत दूर है, पापी होकर नरक में चले जाते हैं। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, हम परमेश्वर पर विश्वास होकर विश्वास कर परमेश्वर के संतान होकर जीवन बिताना है। उसके लिए प्रभु आपका सहायता करे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस संदेश को समाप्त करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, इस समय के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आपके वचन कहते हैं आप हमारे साथ हैं, आप इमैनुएल है, हमारे साथ देने वाला है। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन की इस अवस्था में आप हमारे साथ देना है, हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हैं, हमारे हर बातों को आप जानते हैं प्रभु जी। ये संदेश सुनने वाला कोई भी ऐसे अपना जीवन में अकेलेपन महसूस करते हैं तो उसके साथ दे प्रभु जी, उसको भी आपको विश्वास करके आपके संतान होकर जीवन बिताने के लिए आप सहायता कर प्रभु जी। सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अनुग्रह दे प्रभु जी, इस अवस्था में भी एक सच्चे विश्वास जीवन बिताने के लिए सबको सहायता कर प्रभु जी। हमारे छोटी सी प्रार्थना हमारे उधार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन।